जय भोलेनाथ दोस्तों, 9:53 PM और आज फ्राइडे है, 17 जुलाई 2020, फ्राइडे 17 जुलाई 2020 एंड इट्स 9:53 PM एंड नाउ आई एम गोइंग टू एनालाइज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर द अपकमिंग वीक मंडे दैट इज 20th जुलाई एंड हाउ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी मे बिहेव ड्यूरिंग द एंटायर वीक, दैट ऑल्सो आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. बट लेट मी टेल यू ऑल फर्स्टली, बिकॉज ऑल माई व्यूज आर ओनली फॉर स्टडी पर्पज, दीज आर माई पर्सनल व्यूज एंड आई एम गिविंग यू ऑल फॉर एजुकेशनल पर्पज. प्लीज डू नॉट ट्रेड ऑन दिस व्यूज, एंड इफ यू वॉन्ट टू ट्रेड ऑन दिस व्यूज प्लीज कंसल्ट योर ओन फाइनेंशियल एडवाइजर before taking any kind of trading action on my views, because I and my channel won't be responsible at all if you take any kind of trades and incur any kind of losses. So please read my disclaimer in every video in my description box of every video. So it's a mandatory for everyone. ये अनिवार्य है पढ़ना, तो आप लोग पढ़ा करिए. अब चलिए सीधा आ जाते हैं टॉपिक. आज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो कोई भी स्किप करके देखने वाला, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ उसको स्किप मत करना. अगर करोगे तो नुकसान तुम्हारा है, क्योंकि ये चैनल बनाई पब्लिक के लिए. ठीक है, यहाँ कोई भी मुझे एक भी मेवा नहीं कमाना, सिर्फ सेवा करना है. मेवा मैं अपनी ट्रेनिंग के धंधे से करता हूँ, मुझे उससे काफ़ी आ जाता है, मुझे नहीं चाहिए. ना मैंने कोई ज्वाइन बटन लगाया, ना मैं कोई तुम्हारे साथ सुपर चैट करता हूँ, और ना मैंने कोई कमेंट सेक्शन खोल रखा है कि तुम धड़ाधड़ लिखो और मैं जवाब दूं और तुमसे पैसा ऐठू. वो धंधा नहीं है यहाँ पे. ठीक है, तो ठीक है, चलिए सीधा मैं सबसे पहले, आज बहुत बहुत ज़बरदस्त ये वीडियो होने वाला है. रॉन्ग और राइट तो भोलेनाथ मंडे को मेरे को करेगा. तो सबसे पहले मैं निफ्टी का चार्ट खोलता हूँ और आज आपको मैं कुछ चीज़ें सिखाऊंगा जो आपको बहुत लाइफ में काम आएगी. और इस वीडियो को अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, आप भाई हो मेरे, आप बहन हो, आप चाचा हो या चाची हो, जो भी हो, आपसे रिक्वेस्ट है, इसको अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए. और इसमें फ़ायदा आपका ही है, और अपने रिश्तेदार अपने ग्रुप्स सब जगह शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके. जैसा कि कल मैंने आप लोग को दिया कि कल ही मैं 900 दिखाऊंगा, ऐसा कोई भी शख्स नहीं था यूट्यूब में. आज सब बोलेंगे मैंने भी तेजी बोला इस लेवल के, मैंने खुले आम बोला टुमारो आई शो यू ऑल 10 920 प्लस बोला, तो 933 आया आज, जबकि कल की क्लोजिंग आपके सामने 740 थी. तो सबसे पहले देखते हैं ये वीक गई कैसे. ये वीक यहाँ से स्टार्ट हुई थी दोस्तों. ये वीक ने प्रॉमिसिंग स्टार्ट किया 894 का हाई बना के, वेरी प्रॉमिसिंग. मंडे 13 जुलाई को मंडे था, वेरी प्रॉमिसिंगली इसने 894 का हाई बनाया, लेकिन उस दिन ताकत आखिरी तक नहीं दिखा पाया और 802 की क्लोजिंग किया. ये हो गया डे वन. डे टू प्योरली बियर्स की तरफ गया, क्योंकि ओपनिंग ही गैप डाउन हुई. देर वॉज अ गैप डाउन ओपनिंग, 755 का ही हाई था और 562 का लो दिखा दिया. लो कितना दिखा दिया? 562. ये वो दिन था जब कोरोना वायरस का फियर थ्रू आउट द वर्ल्ड ज़्यादा हो गया था, तो उस दिन ग्लोबल मार्केट्स भी गिरे हमारा, तो हमने 562 का लो बनाया. द वेरी नेक्स्ट डे इसने क्या किया, 577 का हायर लो बनाया और एक हायर हाई भी बनाया. हायर हाई क्या बनाया इसने? 827, लेकिन जो मंडे का हाई था उसको नहीं. तो वेरी नेक्स्ट डे ये क्लोज हुआ था 618 और मंगलवार को क्लोज हुआ था 607, तो यहाँ क्लोजिंग भी ज़्यादा. अब आ जाइए गुरुवार, जहाँ वीकली एक्सपायरी होती है, तो वहाँ महाशय ने एक हायर लो बनाया कंपेयर टू मंगलवार एंड बुधवार. इसने कंपेयर टू ट्यूसडे एंड वेनसडे इट मेड ए हायर लो ऑफ 595 एंड बट कुड नॉट मेक ए हायर हाई. इट मेड ए हाई ऑफ 755 विच वॉज ऑब्वियसली द हाई ऑफ ट्यूजडे ऑल्सो. तो इट वॉज इट
बट समहाउ इट मैनेज टू फॉर्म ए हैमर पैटर्न, यहाँ पे एक हैमर बनाया इसने और अपने दिन के उच्चतम स्तर के आसपास क्लोज किया। उच्चतम मतलब द हाईएस्ट पॉइंट, ऑलमोस्ट एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे इट मैनेज टू क्लोज ऑन थर्सडे, दैट इज 7:40 एंड इट्स हाई वॉज 7:55। सो वी कैन से इट वॉज क्लियरली ए विक्ट्री फॉर बुल्स ऑन दैट पर्टिकुलर डे बिकॉज द मार्केट वेंट डाउन अप टू 595 ड्यूरिंग द डे, बट समहाउ बुल्स मैनेज टू क्लोज नियर द हाइज ऑफ द डे विच इज वे अबव द डेज लो। तो दैट वॉज वेरी क्लियर एंड एविडेंट फॉर मी येस्टरडे एंड आई अकॉर्डिंगली सेड कि 894 भी टूटेगा और 900 के ऊपर भी, 920 के ऊपर भी जाएगा। एंड टूडे इट सरप्राइज एवरी वन बाई गोइंग मेकिंग ए हाई ऑफ 10,933, विच इज द हाईएस्ट हाई आफ्टर आई कैन से यू आफ्टर 6th मार्च निफ्टी नेवर मेड हाई ऑफ 900 ऑल्सो 800 ऑल्सो आफ्टर 6th मार्च। 6th मार्च इट्स हाई वॉज 11,035 बट ऑन 9th मार्च मंडे इट ओपन्ड विथ अ गैप डाउन एंड कीप ऑन गोइंग डाउन डाउन डाउन। तो आफ्टर 6th मार्च ये सबसे हाइएस्ट निफ्टी की, तो 6th मार्च की वीक के बाद भी वीकली क्लोजिंग भी ये हाइएस्ट हो गई है और ये हाइएस्ट है लास्ट काफ़ी महीनों की, 4 महीनों की हाइएस्ट क्लोजिंग है, लास्ट 4 मंथ्स की ये हाइएस्ट क्लोजिंग है, हाइएस्ट हाई है। तो एक सब कुछ है। अब अगर डेली चार्ट को मैं देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो मंडे को कहर ढाएगा, जैसे लगता है कि सीधा खुलेगा ही 11,100। इज दिस द स्टोरी? तो कल आप लोग ने ये स्टोरी कैसे नहीं क्रैक किया कि कल एक हैमर बना तो हम लोग मंडे वाला हाई भी तो तोड़ सकते हैं, जबकि मंडे ट्यूसडे वेनसडे आपको उल्लू बनाया गया। तो ये लेकिन मैंने कल साफ बोल दिया था कि कल 920, और ये चमत्कार अकेला मैंने ही किया था, किसी और में ये ताकत भी नहीं थी, 900 का अंक बोलने की भी ताकत नहीं थी, ठीक है। और ये मेरा खुला चैलेंज है, दावा है, मैंने वीडियो भी आपको दिखा दिया 3:30 वाले में। अब इसको देख के मुझे क्या लगता है, इतनी बुलिश कैंडल और हैमर के ठीक ऊपर इसने आज का लो बनाया, ठीक है, जो कल का हाई था उससे ऊपर का हाई बनाया, तो गैप अप किया क्योंकि आज का ओपनिंग 752 है, कल का हाई था 755, तो गैप अप तो नहीं हुआ, सॉरी इट्स नॉट ए गैप अप। तो कल के हाई पे इसने लो बनाया आज का 749, और आज इसने एक तो इसने कंटिन्यूशन किया हैमर को और अपसाइड की रेलिस्ट। अब अगर इसको देखे तो इसकी कंटिन्यूशन में तो मंडे को ही 11,100 आ जाना चाहिए ऐसा लगता है। अगर इस चार्ट को मैं देखूं तो मुझे कोई डाउट नहीं, लेकिन मैंने 3:30 बजे आपको क्या बोला, मंडे डाउन, ट्यूसडे डाउन, वेनेसडे, ऐसा वो क्या कहानी बताया मैंने, कोई पागल आदमी होगा ऐसा बोलता होगा, जैसे कल भी आप लोगों ने मुझे पागल ही समझा होगा जब मैंने बोला कल 10,920 के ऊपर भी चला जाएगा, तो पागल ही समझा होगा ना। तो स्टॉक मार्केट में आपको पागल होना ही पड़ेगा अगर आपको एनालिसिस करना है बहुत ठीक से, क्योंकि खाली चार्ट को, खाली टेक्निकल्स का टी जानने से आपको टेक्निकल्स नहीं आया। तो एनीवे अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये कैंडल को देखते हुए आपको 90% यूट्यूबर अगर मेरा वीडियो कॉपी नहीं करेंगे तो ये बोलेंगे कि मंडे को एक बहुत बुलिश डे है और 11,100, और मैं भी बोल रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको, क्योंकि हैमर के बाद एक बुलिश कैंडल और वो भी सारे ब्रेकआउट्स, क्योंकि इसके पहले 894 का हाई था मंडे का, तो फ्राइडे को इसने हाई को भी तोड़ा और नया हाई बनाया और इनफैक्ट उस मंडे के हाई के ऊपर क्लोज किया, मतलब सोने पे सुहागा क्या, जो मंडे का 894 का हाई था इसी मंडे का उसके ऊपर क्लोज किया, यानी कि 10,901, यानी कि एक साइकोलॉजिकल लेवल 900 के ऊपर भी क्लोज किया। तो ये सारी चीज़ें अगर मैं मिलाऊं, थोड़ा मैं अगर एक्साइटमेंट में ज़्यादा बोलूं तो गुस्सा मत होइएगा, मैं सबको प्यार करता हूं, मैं ऐसा ही हूं। तो 10,901 मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लोजिंग आई है, और ये भी वीक के लास्ट डे पे, यानी कि वीकली क्लोजिंग भी 10,901 की हो गई, डेफिनेटली नो डाउट, ठीक है। लेकिन मंडे की ओपनिंग कितनी थी, मंडे की ओपनिंग 851 थी भाई साहब, तो वीकली में हम देखेंगे बाद में, 851 मंडे की ओपनिंग थी और मंडे को इसने 894 का ही हाई बना के नीचे साहब जी 802 पे क्लोज किया था।
लेकिन फ्राइडे को सारी कसर पूरी कर दिया, ऐसा लगता है एक जैसे एक कप बना दिया। ये क्या होता है, इसको कप बोल सकते हो आप लोग, एक कप का फॉर्मेशन कर दिया इसमें। आप देखो, अगर इसको आप प्याला नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे, इस कप जैसा बन गया। तो क्या अभी हैंडल बनेगा, हैंडल बनने से तो इसको ऐसा हैंडल बनाना चाहिए, तो 10700 वापस आना चाहिए और उसके बाद ब्रेकआउट लेके इसको करना चाहिए गेम। ये तो मैं एक संभावनाएं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह की स्टडी कोई करता ही नहीं दोस्तों, सब आपको बस देख लिया यार बोले इस फाड़ दिया 10900, अरे पापरे वाह 11000 तो सुबह ही दिखेगा, मंडे को दिखेगा दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको इसको ट्रेंड लाइन से भी दिखाता हूँ कि ब्रेकआउट आया कि नहीं। पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये ब्रेकआउट था कि नहीं। ब्रेकआउट हो गया क्योंकि 894 के हम ऊपर क्लोज हो गए, इनफैक्ट इसके ऊपर क्लोज हो गया, तो क्लियर कट एक ब्रेकआउट है। लेकिन ये कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। अगर ये 950 या 950 हाई बना के 940 क्लोज करता तब मुझे ये ब्रेकआउट बहुत लगता अच्छा, ठीक है। पहली बात, चलिए फिर से मैं इसको हटा देता हूँ लाइन को। अब मैं आ जाता हूँ आपको मूविंग एवरेज के बारे में थोड़ी बता देता हूँ। आज निफ्टी ने पहली बार पूरी जिंदगी में, मतलब पिछले 4 महीने से पहली बार इसने 200 मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज किया। एक्सपोनेंशियल के ऊपर तो ये कब से क्लोज करा आपको बता सकता हूँ मैं, 200 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर तो ये 2 जुलाई से कंटिन्यूस क्लोज कर रहा है। आफ्टर 2 जुलाई, फ्रॉम 2 जुलाई इट इज़ कंटिन्यूसली क्लोजिंग अबव 200 EMA। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ EMA और SMA का फ़र्क भी बता देता हूँ आपको। चलिए, आप लोग मेरी ट्रेनिंग नहीं भी ज्वाइन करते हो, मतलब वेबिनार, तो भी मैं आपको सिखाने का काम ही है यार, बंदा खाली पैसा थोड़ी कमाना क्या। 200 SMA एक चीज़ होती है, इसको बोलते हैं सिंपल मूविंग एवरेज, और 200 EMA होती है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि यार ये एक्सपोनेंशियल और सिंपल क्या फर्क होता है। मैं आपको बहुत सिंपली समझाता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेता, आपको एक लेसन ही देता हूँ। सिंपल क्या होती है, अगर मुझे 10 दिन की सिंपल मूविंग एवरेज निफ्टी की निकालनी है तो मैं पिछले 10 दिन की क्लोजिंग प्राइस को नोट कर लूँगा और उन सबको ऐड कर लूँगा, ऐड मतलब सम कर लूँगा और डिवाइड बाई 10 कर दूंगा, तो मेरी 10 दिन की सिंपल मूविंग एवरेज निकल जाएगी। या 100 दिन की निकाल ली तो 100 दिन की क्लोजिंग प्राइस को नोट कर लूँगा, सबको ऐड कर लूँगा, डिवाइड बाई 100 कर लूँगा, तो 200 दिन की भी ऐसे ही निकलती है। लेकिन अब एक्सपोनेंशियल क्या होती है, एक्सपोनेंशियल ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर इसका मैं फॉर्मूला समझाने जाऊँ तो मुझे लगता है एक रात निकल जाएगी, तो उस पर नहीं जाता हूँ मैं। सिंपल, इट गिव्स मोर वेटेज टू द करेंट डाटास, इट गिव्स मोर वेटेज टू द करेंट ट्रेंड। ये खाली डिफरेंस क्या होता है इसमें, सिंपल मूविंग एवरेज में तो आपको सीधा क्लोजिंग प्राइसेस लेके उतने दिनों की उन सबको ऐड करके डिवाइड बाई उतने दिन, ठीक है। लेकिन एक्सपोनेंशियल में भी यही होता है, लेकिन साथ में ये इट गिव्स मोर वेटेज, स्पेशल वेटेज टू द करंट ट्रेंड। तो करंट ट्रेंड क्या है, बुलिश है करंट ट्रेंड, लेकिन 200 दिन के हिसाब से तो करंट ट्रेंड अभी भी बियरिश है, क्योंकि 200 दिन में तो ये भी आ जाएंगे, है ना। तो ज़्यादातर ट्रेंड क्या रहा, बियरिश। इसीलिए EMA की वैल्यू नीचे है, आप देखो तो EMA में क्या होता है, करंट ट्रेंड को वेटेज ज़्यादा दी दिया थी। जब मैं 200 दिन की देखूंगा तो EMA ज़्यादा आएगी, EMA कम आएगी और SMA ज़्यादा। लेकिन अगर मैं यहीं पे आपको मैं 20 दिन की EMA और 20 दिन की SMA दिखाऊंगा तो EMA ज़्यादा आएगी। चलिए क्यों, क्योंकि करेंटली 20 दिन में मार्केट ज़्यादातर ऊपर रहा। तो यहाँ पे मैं 20 दिन के सिंपल और एक्सपोनेंशियल आपको दोनों दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए मैं 20-20 का आपको दिखा, तो सीखने के लिए थोड़ा सा सिखा भी दिया लेसन। अब 20 दिन में देखते हैं तो क्या हो गया, 20 दिन के सिंपल क्या दिखा रहा है, 10574 वो EMA, ये ऑलमोस्ट 10 दिन की देख लेते हैं। चलिए 10 दिन की, 10 दिन में ज़्यादा क्लियर होगा क्योंकि 10 दिन में मार्केट भागा ज़्यादा है, तो 10 दिन वाली में EMA ऊपर आ जाएगी। आप देखो नहीं, अभी भी EMA कहीं ना कहीं ट्रेंड को ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा फाइट पिछले 10 दिन। अच्छा, बीच में मार्केट डाउन रहा,
मार्केट डाउन है पिछले 5 दिन में लूंगा तो मार्केट तो भी यार, हाँ यहाँ डाउन हो गया ना बॉस, यहाँ डाउन हो गया। हाँ अगर मैं इधर इसको 20 दिन की जगह मैं 50 डेज लूँ तो क्लियर हो जाएगा। 50 डेज, 50 डेज में ज़्यादातर मार्केट ऊपर रहा, 50 डेज इसमें क्लियर आपको मिल जाएगा। तो 50 डेज में देखिए ईएमए 10,205 आ रहा है और एसएमए 9,987 आ रहा है। क्यों? क्योंकि पिछले 50 दिन में ज़्यादातर दिनों में मार्केट ऊपर रहा, तो वो ट्रेंड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है ईएमए, तो इसीलिए ईएमए की वैल्यू ज़्यादा हो गई। लेकिन अगर पिछले 200 दिन के हिसाब से चलें तो मार्केट ज़्यादातर नीचे रहा, इसीलिए यहाँ पे ईएमए की वैल्यू 568 आ रही है और एसएमए की वैल्यू कितनी आ रही है 10,869। लेकिन आज हमने इसके ऊपर क्लोज कर दिया, यानी कि मार्केट आज की क्लोजिंग जो आई है 901 की, इट इज़ वेल अबव ऑल ईएमएस एंड ऑल एसएमएस, जितने भी ईएमए होती है जितने भी एसएमए होती है सबके ऊपर, क्योंकि ज़्यादातर होती है 5, 10, 20, 50, 100, 200, 5, 10, 20, 50, तो 5 एसएमए हो चाहे ईएमए या 200 एसएमए हो या सबके ऊपर आज मार्केट ने क्लोज किया। तो इतने सारे बुलिश व्यू होने के बावजूद मैं साला बेवकूफ गधा क्यों बोल रहा हूँ कि मंडे को डाउन खुल सकता है? चलिए गधा ही हूँ, लेकिन मैं थोड़ा अपनी टेक्निक, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई गारंटी है भाई साहब, गारंटी तो कल भी नहीं थी कि 920 मैंने बोल दिया और आ गया। ये तो भोलेनाथ की प्रसाद है भैया, भोले भक्त अभी सावन का महीना चल रहा है ठीक है, और सोमवार भी भोलेनाथ का ही होता है, फिर से भोलेनाथ की कृपा होगी तो राइट हो जाएंगे, नहीं तो आप लोग कोई बात नहीं डिसलाइक के बटन दबा देना, आपके पास तो पावर है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ थोड़ा वीडियो लंबा होगा, बहुत लोग चिड़चिड़ करते हैं वीडियो लंबा हो गया, तो मत देख भाई मत देख, दूसरा चैनल देख जहाँ तुमको शॉर्ट करा रहे हैं वहाँ देख, है कि नहीं? मैं जब शॉर्ट कराऊंगा तो बहुत कन्विक्शन से कराऊंगा, मैं तब लॉन्ग की बात नहीं करता हूँ जब शॉर्ट की बात करता हूँ, हाँ या ना बोलता नहीं हूँ, बस ऊपर तो ऊपर बोलता हूँ नीचे तो नीचे बोलता हूँ। अब ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, सपोर्ट लाइन कहाँ आ रही है 10,400 पे निफ्टी की ट्रेंड लाइन में, ट्रेंड लाइन भी मैं, और यहाँ पे ये क्लियर कट क्या दिखा रहा है ये भी देख लेते हैं। ग्यारह 10 या 20 का टारगेट दिखा रहा है। तो अब देखिए निफ्टी आप पूरा क्लियर कट देखो डेली चार्ट में, एक पूरे चैनल में चल रहा है एक्सेप्ट दिस कैंडल, इस कैंडल को क्यों? क्योंकि ये गैप अप होके उसने धोखेबाजी की थी, याद है ये मंडे को ऊपर हुआ, फ्राइडे को ऊपर बंद हुआ था और मंडे को कैसा गिरा, ये वही दिन है। चलिए ये भी आपको याद दिला देता हूँ कौन सा दिन था, यहाँ से क्या गिरावट आई थी आपको याद होगा, और वो बीयर्स एकदम छा गए थे, आ गए मारो कब्जा में आ गए। ये वही वाला 30/4 को जो फ्राइडे था वहाँ मार्केट ने 9,8,59 की क्लोजिंग दी थी, 30/4 को फ्राइडे था, मुझे आज भी याद है, मुझे देखना नहीं पड़ेगा। और अगले दिन देखिए 4/5 को, यानी कि बहुत दिन के बाद खुला है ना, तो ये सीधा गैप डाउन हुआ, मंगलवार को खुला होगा ये, तो ये मंगलवार को गैप डाउन हुआ और सीधा वही वाला माल 9,859 पे क्लोज हुआ और मंगलवार को क्लोज हुआ 9,293, 5-600 पॉइंट का डाउन, और वहाँ से खींच के कितना नीचे लिया है इसने 8,800, 1,000 पॉइंट का करेक्शन आया था यहाँ पे, लेकिन एक गैप डाउन फॉलो करके आया था ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, इस हाई को वापस तोड़ दिया है। तो ये वाला कैंडल इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ इस चैनल में, बाकी आप पूरा निफ्टी इसी चैनल में घूमा आप देखो। तो अब ये चैनल तो आपको क्लियर कट दिखा रहा कि 11,210 तो आना ही आना है ठीक है, और या फिर पहले 10,400 आ जाएगा, दोनों में से कोई चीज़ तो पहले आनी ही पड़ेगी। ये देखिए ऐसे चैनल चला है, मैं इस कैंडल को नहीं ले रहा हूँ तो ऐसे ले रहा हूँ ठीक है, मार्केट पूरा इसी चैनल में कब से चल रहा है, काफ़ी टाइम से, मार्च महीने से इसी में, 24 मार्च को ये लोवेस्ट लो था याद है, ये 24 मार्च को था, तो वहाँ से कंटिन्यू मार्केट एक चैनल में चल रहा है और अपसाइड राइजिंग चैनल है। तो अब ये चैनल क्या बोलते हैं, ये इधर जाएगा पहले या इधर आके थोड़ा रेस्ट करेगा फिर ऐसे जाएगा, ये आपको डिसाइड करना है ठीक है, तो ये आप डिसाइड कर लीजिए।
अब मैं अपनी थोड़ी एनालिसिस बता देता हूँ फटाफट, ठीक है। तो मैंने चैनल भी बता दिया, बुलिश भी है, सब चीज़ के ऊपर भी बंद किया। अब मैं गधा क्यों बोल रहा हूँ कि ये बियरिश है, माई सेल्फ ए डोंकी, वाई दिस आई एम सेइंग। तो मैं अपने आप को गधा बोलने में कोई तकलीफ नहीं समझता हूँ, कि सारे लोग होशियार ही है जो मेरा चैनल देखते हैं। तो मैं आपके सामने एक वीकली चार्ट का प्रदर्शन करता हूँ। तो वीकली चार्ट में क्या बना है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, किसी को पता है तो हैंड, इस कैंडल को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों हैंगिंग मैन। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाऊं, तो इसको 1 ईयर कर देता हूँ, तो आपकी इसकी फोटो बड़ी दिखेगी। अब ये मुझे क्या बोल रहा है, प्रमोद जैन, ये धोखेबाजी हुई है आज, ये क्लियर कट हैमर बना, इसको क्या बोलते हैं, हैमर नहीं, इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। जब भी अप ट्रेंड में कोई चीज बनती है तो उसको क्या बोलते हैं, अप ट्रेंड में हैमर नहीं होता, अप ट्रेंड में हमेशा हैंगिंग मैन होता है। तो ये ट्रेंड क्या है, ट्रेंड अप ट्रेंड है। देखिए आपको दिखाता हूँ मैं एक एक चीज, आज एक एक चीज का प्रदर्शन होगा ना। एक ये देखिए, ये ट्रेंड कंटिन्यू अप ट्रेंड चल रहा है। अब ट्रेंड के एकदम लास्ट कैंडल क्या बनी है, जो अभी तक की लास्ट कैंडल है वीकली की, ये हैंगिंग मैन बनी है। इसको अगर आप इस कैंडल को ध्यान से देखो तो आपको क्या लग रहा है, एक लटका हुआ इंसान, एक इंसान जो लटका हुआ है ऊपर फांसी पे लटका हुआ है। अब इसकी फांसी कब लगेगी, कब ये फांसी से बरी हो सकता है, अगर मंडे को इसका हाई टूट जाए जो कि 9:33 है, तब इस पैटर्न का कोई मतलब नहीं है जो बना है। यानी कि पूरे वीक में, नेक्स्ट वीक में अगर ये हाई टूट जाता है जो आज बना 9:33 का, तो इस पैटर्न का कोई लेन देन नहीं है, फिर इसकी कोई ताकत नहीं, फिर मार्केट को ये नीचे लाने का कोई सिग्नल दे रहा हो तो इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन लट। अब हैंगिंग मैन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको इसका लिटरेचर पढ़ा देता हूँ। द हैंगिंग मैन एंड हैमर आर बोथ कैंडल स्टिक पैटर्न दैट इंडिकेट ट्रेंड लेवल। द ओनली डिफरेंस इज द टू इज द नेचर ऑफ द ट्रेंड। इफ द पैटर्न अपियर्स इन द इन अ चार्ट व्हेन एन अपवर्ड ट्रेंड इंडिकेटिंग ए बेयरिश लेवल, इट इज कॉल्ड हैंगिंग मैन। एंड इफ इट इज अपियर इन अ डाउन ट्रेंड, तब इसको क्या बोलते हैं, हैमर। हैमर किस में बना था, डेली चार्ट में, आपको याद होगा डेली चार्ट में आपने देखा था हैमर बना। ये दिखा देता हूँ वापस, डेली चार्ट करके भी दिखा देता हूँ। देखिए डेली चार्ट में कल हैमर बना और आज वीकली चार्ट में हैंगिंग मैन बन गया है, क्या कम्बिनेशन है। देखिए यस्टरडे डेली चार्ट में क्या बना, हैमर, इसको हैमर बोलते हैं क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में बना। चाहे आप बैंक निफ्टी में भी देख लो, जब भी डाउन ट्रेंड में ऐसा कोई कैंडल बनेगा उसको हैमर बोलते हैं, हथौड़ा। इसका सेफ हथौड़ा जैसा लग रहा है, हथौड़ा क्या, मंदी पे हथौड़ा मारा, समझ में। तो बैंक निफ्टी में भी आपको डेली चार्ट में दिखा देता हूँ, कल हैमर बना। इस चीज का नाम हैमर होता है अगर ये डाउन ट्रेंड में बनता है। ये ट्रेंड क्या, डाउन, और यहाँ हैमर बना और हथौड़ा मार के तेजी कर दिया आज, ठीक है। और हैंगिंग मैन मतलब सबको लटकाने के लिए ऊपर ले गया और सबको फांसी पे लटका दिया। तो आज वीकली चार्ट क्या बोल रहा है, पूरे वीक में सबको उल्लू बनाया गया और फांसी पे लटकाने की तैयारी है, यानी कि अगली वीक गैप डाउन ओपनिंग होने की 100 में से 99% चांसेस है। 99 बोल दिया यार, बहुत ज़्यादा, इतने तो मेरे स्कूल में भी कभी नहीं आए, मेरे स्कूल में कभी 70 से ज़्यादा मार्क आते ही नहीं थे, तो 70% ही बोल देता हूँ मैं, 70% चांसेस है कि गैप डाउन ओपन, क्योंकि ये हैंगिंग मैन बना है, ठीक है दोस्तों। तो ये हैंगिंग मैन बना है तो क्लियर कट चांसेस है कि नेक्स्ट वीक हम अच्छा खासा 10-800 के नीचे ही खुले या 800 के आसपास खुले। लेकिन और एक चीज़ क्या बता रही है डेली चार्ट, कि थोड़ा सा कंसोलिडेट भी कर सकता है। अरे यार ये सब कुछ चला जाता है एक बार में, चलिए वापस खोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, डेली चार्ट में मैंने आपको बोला था एक कप जैसा बन गया, ये देखिए एक कप जैसा बन गया, तो बैंक निफ्टी खुल गया यार, देर गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, थोड़ी मेहनत करने की आदत चल जाता है। कब जैसा, इस वीडियो को देखना जरूर भाई,
आपको बहुत ज़रूरी काम, आप लोग सब बिजी है मुझे मालूम है, आपको 100 चैनल देखने होते हैं, लेकिन इसको देखते हो तो किसी और को मत दिखा करिए यार। पहले इसको पूरा देख लीजिए, फिर आप सबका देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखो, एक कप जैसा बन गया। तो ये कप क्या, थोड़ा देर हैंडल तो बनाएगा पकड़ने के लिए, तो हैंडल बनाते बनाते 10-600 भी आ सकता है, और फिर ब्रेकआउट मार के 11,000 जो हमारा आंकड़ा है, तो वैसे तो 11,000 आ ही गया, कोई देरी नहीं है। अगर मंडे को गैप अप हो जाता तो सीधा ही 11,000 खुल जाएगा, है ना। तो होगा तो नहीं, क्योंकि वीकली चार्ट क्या बोल रहा है कि भाई साहब हैंगिंग मैन, लटका हुआ इंसान बन गया है, वो भी टॉप पे बना है, टॉप पे, अभी तक के 4 महीने के टॉप पे बना है, और टॉप पे ही हैंगिंग मैन काम करता है हमेशा। लेकिन वाइट कलर का हैंगिंग मैन बना तो थोड़ा सा, क्योंकि वाइट कैंडल से बना है, तो बोल दो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी तरह से मार्केट को ऊपर ले जाया गया और वहाँ पे माल को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। कब डिस्ट्रीब्यूट किया, अगले लास्ट के 2 दिन में, थर्सडे एंड फ्राइडे मिल के इसने माल को बेचा है, क्योंकि मंडे की जो ओपनिंग थी वो थी 851, तो नीचे तो वीक में कहाँ तक चला गया, 562, तो यानी कि 300 पॉइंट नीचे जाके तुम 70 पॉइंट ऊपर, 80 पॉइंट ऊपर बंद कर रहे हो। वीक के दौरान ओपनिंग से 300 पॉइंट नीचे गया, ओपनिंग कितनी थी 851, 562 तक चला गया, मतलब बुरी तरह तक गिरा दिया, फिर वापस खींच के ला के 933 का हाई बना के 901 पे बंद कर दिया, 50 पॉइंट ऊपर बंद किया ओपनिंग से, जबकि नीचे ले गया था 300 पॉइंट ओपनिंग से, और अगर हाई से गिनो तो लगभग लगभग 400 पॉइंट नीचे गया, क्योंकि हाई तो 933 का बना दिया। तो क्या इतना मस्त वीक था ये तो लगता है पूरा ठीक से पहना है। तो इसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि मंडे, ट्यूसडे और वेनेसडे फर्स्ट आप तक मंदी रह सकती है, और अगर किसी कारण से इस हैंगिंग मैन का लो टूट गया तो मंदी 10-200 भी ला सकती है निफ्टी को, याद रखिएगा, लो नहीं टूटना चाहिए। हैंगिंग मैन का मतलब क्या होता है, अगर इस हैंगिंग मैन का एक और नियम होता है, ये जो बॉडी बनती है, ये जो कैंडल की बॉडी होती है, ये जो वीक, ये लंबी लाइन है, इसको वीक बोलते हैं, लोअर वीक या लोअर शेडो बोलते हैं, तो इसकी साइज़ जो होती है इससे डबल एटलीस्ट होनी चाहिए बॉडी से, जो ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस होता है उसको बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो इस बॉडी से ये वीक हमेशा डबल होनी चाहिए, तो डबल से काफ़ी ज़्यादा, तो ये सॉलिड हैंगिंग मैन है, तो मैं तो थोड़ा रिलाई कर रहा हूँ इस पर, और 2-4 कारण है मेरे को रिलाई करने के, जो मेरे व्यूअर है वो देख के समझ जाएंगे, मैं खाली यहाँ इशारा करके दिखा देता हूँ उनको, वो समझ जाएंगे, आपको नहीं समझा सकता हूँ मैं, ये मेरी क्लास का सीक्रेट है, तो वो लोग को समझ में आ जाएगा। वीकली चार्ट खोल लेना रे, जो जो वेबिनार अटेंड किया वो वीकली चार्ट खोल लेना, सब समझ में आ जाएगा क्यों मैं 3:30 बजे उछल उछल के बोल रहा था उस वीडियो में, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक। तो अब आ जाता हूँ मैं बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे। तो मैं बियरिश हूँ नेक्स्ट वीक, इन स्पाइट ऑफ ए हाइएस्ट क्लोजिंग और क्लोजिंग अबव ऑल SMA एंड EMA, आई एम बियरिश नेक्स्ट वीक। लेकिन जैसे ही 934 टूटेगा, 934, मैं कोई बियर का ट्रेड नहीं लूँ। अगर सुबह ही टूट गया तो कोई बात ही ख़त्म हो गई सारी। अगर 934 किसी कारण से टूट जाता है तो मैं इतनी बाइंग करूँगा कि जितनी मैंने ज़िंदगी में बाइंग नहीं की, क्योंकि मुझे लगता है कि फिर 11-200 के पहले रुकने वाला नहीं है, ठीक है। तो मैं शॉर्ट करूँगा नेक्स्ट वीक 934 का स्टॉप लॉस डाल के, और स्टॉप लॉस पर मैं डबल बाइंग लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, डबल बाइंग, मतलब जितना स्टॉप लॉस होगा उससे डबल बाइंग, ठीक है। ये मेरी स्ट्रेटेजी है नेक्स्ट वीक की। अब मैं बैंक निफ्टी का डेली चार्ट, यहाँ पर डेली करना पड़ेगा, बैंक निफ्टी का डेली चार्ट लगा देता हूँ। थोड़ा सा बैंक निफ्टी की भी कहानी बोलते, नहीं तो लोग को गुस्सा आ जाता ना, लोगों को क्या यार हमारा तो बताया नहीं, हम तो जुआ ज़्यादातर बैंक निफ्टी में खेलते हैं सर, आपने तो निफ्टी निफ्टी बता दिया, अरे ठीक नहीं बात है, कोई बात नहीं। इसने देखिए मस्त डाउन ट्रेंड्स बनाया था पूरे वीक में, बीएस कैसा राजी हुए थे, आ गयो 21,000 आ गयो। अब देखो ऐसे डाउन ट्रेंड था, और यहाँ एक हथौड़ा मारा हेमर का, दिस इज हथौड़ा ऑफ हेमर, और आज हेमर के ऊपर अच्छा खासा 22,000 के ऊपर
का डाला क्लोजिंग। इसको भी देखते हुए क्या बोलते हैं आप लोग कि ये तेजी दे रहा है और ये रियल में तेजी दे रहा है, तो मैं इसमें तो शॉर्ट करूंगा भी नहीं, ठीक है। इसको तो मैं 21,000 टूटेगा, जब तक नहीं टूटता तब तक मैं इसमें बाई में ही रहूंगा, भले नीचे बाई करूं, क्योंकि निफ्टी थोड़ा सा मुझे हैंगिंग मैन दिखा के डरा दिया, तो मैं बैंक निफ्टी का भी देख लूंगा अभी क्या है। तो ये जो डेली चार्ट में तो अच्छा दिख रहा है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब इसका वीकली चार्ट जल्दी से देख लेता हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबा हो गया, वरना कुछ लोग तो ऐसे ही गाली दे देते मुझे, अरे इतना बड़ा बना दिया यार, क्या यार मैं तो इतना बिजी आदमी हूँ, लॉकडाउन में सारे काम तो मुझे ही करने पड़ते हैं। तो ये भी क्या हुआ, ये भी हैंगिंग मैन है और ये तो रेड कलर का हैंगिंग मैन है जी, ये भी अप ट्रेंड में बना है, ये भी सिग्नल क्या दे रहा है, लगता है शनिवार रविवार को कोई बैड न्यूज आएगी। इट इज ऑलमोस्ट 70% गारंटी, क्योंकि मेरे मार्क्स 70 से ऊपर आते नहीं थे, तो 70% गारंटी कि कोई शनिवार या रविवार को कोई बैड न्यूज आएगी और मार्केट मंडे को गैप डाउन खुलेगा, ठीक है। तो बस यहीं पे वीडियो एंड करता हूँ, जय जिनेंद्र, और कोई बैड न्यूज आए तो मुझे भी शेयर कर देना दोस्तों, अगर आज ही आ जाए तो आज भी शेयर कर देना। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।